सबको जाम सिक्की। और आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ की बात है, ब्लेसिंग की बात है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर आए दिन हमें नई नई गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस कर रहा है, नई नई ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कर रहा है, टेस्टमनी के साथ ब्लेस कर रहा है। और जैसे कि आपको पता भी है कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं पोस्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी, उनका अब जो विज़न है, अब जो विज़न के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि सब जातियों में वो परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं और बहुत सारी ब्रांचों को जो कि ओपनिंग करने का उनका जो कि विज़न है, और उस विज़न को याद रखते हुए और उस विज़न में काम करते हुए एक और जो कि अब नई जो कि ब्रांच जो कि हमारे साथ जुड़ने के लिए जा रही है, एक और नई ब्रांच के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। और बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ की बात है कि अब बटाला शहर में भी जो कि NM मिनिस्ट्री की ओर से, अंकुर नोरा मिनिस्ट्री जो की ओर से जो कि ब्रांच है जो कि खुलने के लिए जा रही है। हालेलुया, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, आनंदित होने की बात है कि परमेश्वर ने अब बटाला में भी परमेश्वर के दास जो कि परमेश्वर ने चुने हुए दास है हमारे जो स्पिरिचुअल फादर पोस्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी, उनके वचन आने जा रहे हैं, वो बड़ा सुसमाचार अब बटाला में भी फैलाने के लिए जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस ब्रांच के द्वारा बटाला की बहुत सारी रूहें, बटाला के बहुत सारे लोग जो कि बचाए जाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। और जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो ब्रांच है ये बटाला में खुलने जा रही है, जो कि बटाला शहर के जो कि नज़दीक के गांव, जो कि नज़दीक के विलेज, जो कि सनैया से आगे अलीवार रोड के ऊपर, अगर आप जाएं तो आपको रोड के ऊपर ही ये ब्रांच जो कि मिलेगी, जिसकी अभी ओपनिंग हमारे स्पिरिचुअल फादर जब आएंगे वापस, आपको पता है कि वो अभी फॉरन में है, फॉरन के क्रूसेड के लिए वो गए हुए हैं, जब वहाँ से वो क्रूसेड कर आएंगे तो जब वो वापस आकर पुलपट के ऊपर से ही हमारे साथ अनाउंसमेंट करेंगे, हमारे साथ इस चर्च के बारे में शेयर करेंगे और ओपनिंग के बारे में बताएंगे। हालेलुया, आइए वीडियो देखते हैं पहले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम दीपक लोपाया, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल विंग का। मैं तुम्हें आज दसना चाहता हाँ कि तुम्हें बहुत ही जान के खुशी होगी जो बटाला शहर के साढ़े बहुत ही परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी, उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री वालों ब्रांच ओपन हो जा रही है, जिदी जल्द ही साढ़े पास्टर जी इस तरीक की अनाउंसमेंट करेंगे। असं तुम एक दसना चाहते हैं कि जरूरी अनाउंसमेंट यह आ कि उत्थे सफाई का काम चल रहा है, वो सारे ही योगदान देन जिन्हें भी लागे लागे के पिंड ने, शहर ने, बटाले के, और जिन्हें भी इस संयोग आना चाहते हैं हाथ जोड़ के बेनती है कि सारी सेवा जी कंटिन्यू जारी है, सारे ने उत्थे पहुँचने की अज है। सारे जैम सिंह जी, मेरा नाम हरमेश मसीह है, मैं गुरदासपुर ब्रांच के एज ए कंटीन हैड सेवा करता हाँ। अज मैनू भी इतने आने का मौका मिले और बहुत वधिया लगा, सारे भैन भरा बड़े रल मिल के इतने सेवा करते हैं, देखा काफ़ी ग्राउंड को असं साफ कर चुके हैं और अभी होर भी साढ़े बहुत सारे काम नहीं करने वाले। मैं सारे हथ बन के बेनती करना कि जिन्हें अंकुर नोरा मिनिस्ट्री फॉलो करते हैं, जिहड़े नहीं भी करते परमेश्वर के घर आ के वो इतों की साफ सफाई के योगदान दे सकते हैं, हिस्सा पा सकते हैं, परमेश्वर उन्होंने जबरदस्त तरीके ब्लैस करेगा। सारे जैम सिंह सारे भैनों भैन भरावों जैम सिंह जी, मैं कह रही कि बटाला ब्रांच खुल चुकी है तो बटाले वाले वास्ते बहुत बहुत बधाई वाली गल है कि अंकुर नोरा मिनिस्ट्री साढ़े शहर में आ चुकी है, इस करके मैं सारिया भैन भरावों इतने काम चल रहा, साफ सफाई का काम ब्रांच चल रहा, तो सारे भैन भरावों के बेनती है कि सारिया भैन के भरा इतने आ के अपनी सफाई में योगदान दें। सारे भैन भरावों जैम सिंह जी, मैं रमन बटाला ब्लाक प्रधान, मैं सारे हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ कि सारे भैन भरा सेवा में पहुँचो, बस अंकुर नोरा मिनिस्ट्री की ब्रांच बटाला ओपन हो चुकी है और इतने साफ सफाई का काम चल रहा है और सारे भैन भरा सहयोग देन,
और खुदा दा काम जरा होर वधा सके। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हमारे जो भी ब्रदर हैं, हमारे सिस्टर हैं, जो कि ब्रांच में जाकर परमेश्वर की चर्च में जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने सब लोगों के साथ सब मसीह भाई बहनों के साथ जो कि रिक्वेस्ट भी डाली है कि आप सब आएं चर्च में आकर परमेश्वर के भवन में आकर सेवा को करें, क्योंकि सेवा से ही हमारे जो कि बंद रास्ते हैं खोलते हैं। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया था कि जब मैं नया नया परमेश्वर में आया था तो मैं दरियों की सेवा करता था, दरियां बिछाने की सेवा करता था, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के घर में जाकर सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में बड़े काम करते हैं। और मेरा आप लोगों से, आप सब मसीह भाई बहनों से, सब अंकुर मिनिस्ट्री के लोगों से, अंकुर मिनिस्ट्री की कलीसिया से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करनी हूँ कि जो लोग फ्री है, जो लोग परमेश्वर के भवन में सेवा करना चाहते हैं, अपना टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम निकाल कर परमेश्वर के भवन को दें और सेवा करें, क्योंकि सेवा से बंद रास्ते हैं जो कि खुलते हैं। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि परमेश्वर ने अब बटाला शहर में अपनी ब्रांच को खोला है, क्योंकि जब परमेश्वर की नई से नई ब्रांच खुलती है तो बहुतायत की कलीसिया, जो परमेश्वर की बहुतायत की बेने हैं, जो बचाई जाती है। और हमारा बिलीव है कि यहाँ पर भी परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया बचाई जाएंगी। अगर आप देख सकते हैं तो ये रोड है, जो अलीवार रोड है, अगर आप जब चर्च ब्रांच की ओपनिंग होगी तो आप अगर चर्च में आएंगे तो आप सीधा बस स्टैंड से फतेहगढ़ वाली बस लेकर, अलीवार वाली बस लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, अलीवार रोड के ऊपर, जो कि आगे सामने जो रास्ता है फतेहगढ़ की ओर जाता है। और रास्ते में ही आपको चर्च ब्रांच जो कि मिल जाएगी, रास्ते में भी आपको पता चलेगा कि हाँ यही चर्च ब्रांच है। हालेलुया। और आप सब तैयार हो जाइए बटाला चर्च ब्रांच की ओपनिंग के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, जो कि परमेश्वर के दास हैं, जो कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, बहुत जल्द हमें पुलपट के ऊपर से ही ये गुड न्यूज़ देंगे, बटाला चर्च ब्रांच ओपनिंग की गुड न्यूज़ देंगे। और आप इस नई से नई गुड न्यूज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी वीडियो हम रोज़ आपके साथ अपलोड करते हैं वो आपके तक ज़रूर पहुँचे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अब हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं फॉरन में क्रूसेड के लिए गए हुए हैं, और उस क्रूसेड की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द उस क्रूसेड की वीडियोस जो कि लाइव वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को याद से दबा लें कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुँचे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें।